अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिरेकल का क्रैक वर्जन 2.82 इसके साथ आप 6531E का रीड फ्लैश फाइल किस तरह रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक मोबाइल है मोबो का, तो ये H36 मॉडल है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं पहले 6531 पे सेलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ कि ये 6531 पे वर्क करता है या नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे ये मेरे पास मॉडल है मोबो का, इसको मैं ये प्लग इन करता हूँ। इसकी मुझे बूट की का नहीं पता दोस्तों, यहाँ पे ये बूट तो इसने कर लिया है लेकिन यहाँ पे आके रुक गया है। तो मेरे ख्याल में ये तो नहीं करेगा दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बूट लोडर एरर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने 6531E जो है वो सिलेक्ट करना है, तो ये मिरेकल में 6531E वाला जो बूट नंबर है 6531ESP इसको सिलेक्ट करके, तो ऊपर रीड पे तो आपको पता ही है क्लिक करके नीचे आपने स्टार्ट का बटन दबाना है। तो अगर आपकी 6531E वाली CPU हुई उसको अनलॉक भी करेगा, रीड भी करेगा, फ्लैश भी करेगा ये टूल। तो दोस्तों मिरेकल का क्रैक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि 6531E इसका CPU है, तो इसने फ्लैश फाइल जो है वो रीड कर ली है। इस फ्लैश फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो। तो दोस्तों मकसद आपको बताना था कि ये 6531E के ऊपर भी काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।